हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। क्लास सेवेंथ में प्रैक्टिस जोन फाइव हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है। मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको करा देता हूँ। अ सम ऑफ रुपीज़ 184 इज़ बोरोड एट 5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। तो इसमें क्या है, 184 रुपीज़ बोरो किए गए हैं, ये उधार लिए गए हैं और जो रेट परसेंट है वो 5% है। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का लगाना है, 2 ईयर्स का, और सिंपल इंटरेस्ट बनना पताना है एंड द अमाउंट। ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन को यहां से देख लेते हैं। हेयर यहां पर पी कितना दिया हुआ, 184, आर 5% है, टी 2 ईयर्स है और एस आई का फॉर्मूला एस आई इज टू पी इंटू आर टी अपॉन 100 हमें निकालना, एस आई ही कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो ये 184 आ जाएगा पी, आर आ जाएगा 5, टी आ जाएगा 2, 5 2 या 10, 10 में एक जीरो कट जाएगी, 184 को 18.4 जो है वो रुपीज हो जाएगा एस आई। अब एस आई को हम ऐड कर देंगे अमाउंट में, तो 184 प्लस 18.4, तो ये कितना हो गया रुपीज 202.4, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारे दोनों आंसर हो गए एस आई और अमाउंट के। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या है कि इन हाउ मेनी इयर्स विल द अमाउंट ऑफ रुपीज 6400 अमाउंट टू रुपीज 7552 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम। अब आपको क्या क्या गिवन है इसमें, हाउ मेनी ईयर्स का मतलब टाइम पूछा है, टाइम नहीं पता, सम कितना था पी ए है, अमाउंट हो गया इतना पी ए है और ए ये है और एट द इंटरेस्ट रेट है आर 6% पर एनम। तो आपको क्या करना है, टी पता करना है। तो देखिए टी आपको पता करना है, पी कितना है 6400, ए है 7552, आर है 6। तो ऐसा ही 7552 में से 6400 हम माइनस कर देंगे तो 1152 या 1152 रुपीज जो है वो हमारा ऐसा ही हो जाएगा। और ऐसा ही का फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसा इज इक्वल टू पी इनटू आर इनटू टी अपॉन 100, टी को यहीं छोड़ के 100 को ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा ही इनटू 100 नीचे आ जाएगा पी इनटू आर। अब ऐसा ही दिया हुआ है 1152 इनटू 100 अपॉन 6400 इनटू 6, तो देखें 2 जीरो और 2 जीरो ये वाले कैंसिल कर दिए, 64 से इसको किया तो 18 टाइम्स हुआ और 6 से 18 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 इयर्स आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द रेट परसेंट पर एनम इफ रुपीज 350 यील्ड्स रुपीज 105 इंटरेस्ट इन 6 इयर्स। तो ये कह रहे हैं कि रेट परसेंट पर एनम बना लो, आर नहीं पता, ये पी दिया हुआ है, ये एस आई दिया हुआ है, ये 6 इयर्स दिया हुआ है। तो बस हम फिर लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट ये है कि आर पता करना है, पी 350 है, एस आई 105 है और टी 6 ईयर्स है। तो एस आई इज टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, आर जब लेंगे हम तो इसको 100 को ऊपर ले लेंगे तो एस आई इंटू 100 और नीचे पी इंटू टी आ जाएगा। तो पी इंटू टी 105 एस आई है, 100 ये आ गया, पी 350 है और ये टी दिया हुआ 6। इनको सॉल्व करेंगे तो 5% पर एनम जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 5% पर एनम आएगा। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके बाद आ रहा है हमारा अगला टॉपिक, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो इसका एक कॉमिक पोर्शन पढ़ लेते हैं, फिर हम समझेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। देखो, एफ डैक, ड्रिल डैक, एस्ट्रो डैक एंड क्लोन डैक वर इन द मार्केट लुकिंग फॉर सम फर्नीचर। तो ये कुछ फर्नीचर खरीदने गए हैं, कुछ एलियंस एलियंस जो है वो फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है इनकी। दे स्पॉटेड सम ट्राइंगुलर चेयर डिस्प्लेड इन अ फर्नीचर शॉप। उन्होंने देखा कि कुछ ट्राइंगुलर टाइप की ट्राइंगुलर शेप में चेयर्स वहां पर थी। दे लाइक द फर्नीचर एंड दस एंटर द शॉप। ठीक है, उनको पसंद था फर्नीचर इसलिए उन्होंने वो शॉप में गए। द शॉपकीपर टोल्ड देम दैट दोज वर यूनिक पीसेज आर एज ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन ईच चेयर वर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो जितने भी स्ट्रक्चर ये ट्राइंगुलर शेप के हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इस कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है वो उनकी समझ में शायद नहीं आया, बस उन्होंने समझा कि एक बराबर जैसे हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। बट नन ऑफ देम बिलीव्ड दैट द सेम फर्नीचर स्ट्रक्चर कुड बी यूज्ड इन ऑल द चेयर्स। मगर उन्हें विश्वास ये नहीं हुआ कि सारे एक जैसे कैसे, सारे एक जैसे बराबर कैसे, तो वो ये सोचते रहे। बस उनको कॉन्ग्रुएंट का मतलब नहीं समझ में आया, ये समझ में आया कि सेम शेप के हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली उनको कुछ समझ नहीं आया कि ये बराबर के कैसे हैं या ये किस तरह से कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये सब नहीं पता था उनको। ठीक है, एफडेक सजेस्टेड दैट टू नो द ट्रूथ। तो एफडेक को क्या था, एफडेक ने ये सजेस्ट किया कि अगर आपको सच्चाई जाननी है दे मस्ट मेजर ईच साइड एंड एंगल ऑफ द चेयर।
उन्होंने कहा कि ऐसा करो, ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, इन दोनों की लेंथ और एंगल्स मेजर करो, शायद इससे कुछ पता लगे। मेजरिंग ऑल द सिक्स कंपोनेंट्स ऑफ ट्रायंगल फॉर ईच स्ट्रक्चर बॉज टेडियस बर्ग, यानी सबके ट्रायंगल मेजर करो, सबके लाइंस मेजर करो, ये बहुत टेडियस और ये बहुत ही बोरिंग काम है। कैन यू सजेस्ट अ क्विकर मेथड टू देम, तो इसके लिए कुछ आसान मेथड है क्या, कुछ आसान मेथड इसके लिए मिल जाए तो इनका भी काम बन जाएगा। सो दैट दे गेट द आंसर टू द प्रॉब्लम, और उनको अपनी प्रॉब्लम का आंसर मिले। ठीक है, तो अपने आंसर को फटाफट चाहते हैं। अब इसमें जो लिखा जाएगा, आपको पता है इसमें मिस्ट्री लिखनी है कि क्या वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। और हाइपोमीनिया में फाइनली आपके अंदर जो डिटेक्टिव बैठा है, आपके अंदर जो सोच है वो क्या कहती है, वो आपको यहाँ लिखना है। इनके क्लूज में पढ़ देता हूँ। पहला एफडेक क्या कह रहा है, ऑल पार्ट्स ऑफ द चेयर आर आइडेंटिकल, सारे पार्ट्स आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब होता है बिल्कुल एक जैसे। दूसरा, दे हैव ट्राइंगुलर शेप्स, सभी की शेप ट्राइंगुलर है, ड्रिल लेग बोल रही है। उसके बाद एस्ट्रोडेक क्या कह रहे हैं, ऑल ट्राइंगल यूज आर ऑफ सेम शेप एंड साइज, उसने इंपॉर्टेंट बात कही कि ट्राइंगल जितने भी यूज किए गए हैं उन सभी का शेप और साइज दोनों सेम हैं। और बट द क्वेश्चन इज डू वी हैव टू मेजर ईच ट्राइंगल, अब क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे सारे नापने पड़ेंगे, तो इट्स अ हैक्टिक वर्क, बहुत बोरिंग होगा कि हम बैठ के उसको सारी मेजरमेंट्स उसकी करें, तो हम बिना मेजरमेंट्स के भी कुछ कर सकते हैं शायद। ठीक है, अब जरा देखते हैं कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, टेक टू कॉइन्स और रुपीज 10 ऑफ सेम ईयर, एक ही साल में दो 10 रुपीज के सिक्के लो, इसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों 10 रुपीज के सिक्के अगर आप नए लेंगे तो वे दोनों एक ही ईयर में इश्यू किए हुए होंगे, होने चाहिए, क्योंकि एक ही ईयर में जब इशू किए हुए होते हैं तो वो सेम शेप और सेम साइज के बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो वैसे कॉइन हमने लिए, प्लेस वन कॉइन ओवर द अदर, और एक कॉइन को दूसरे के ऊपर रखा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या पता लगा आपको, डज वन कॉइन कवर द अदर एग्जैक्टली, क्या एक कॉइन ने दूसरे को पूरा का पूरा ढक लिया, पूरा पूरा कवर कर लिया। नाउ टेक टू नोट्स ऑफ 100 ऑफ द सेम ईयर, अब एक ही साल में जो इशू होने वाले नोट्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, सेम मेजरमेंट्स के, अगर दो नोट्स लेते हैं और उनको एक के दूसरे को, एक के ऊपर दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो भी वही होता है कि वो दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं। डज वन नोट कवर द अदर एग्जैक्टली, तो इसी को कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब है वो शेप्स जो सेम साइज और सेम शेप की हैं, सेम साइज और सेम शेप, ये कंडीशन बहुत जरूरी है, अगर सेम साइज और सेम शेप है तो दे आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कुछ और भी होता है, वो बात करेंगे हम। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन टू फिगर फिट एग्जैक्टली ऑन ईच अदर और टू फिगर्स आर ऑफ सेम शेप एंड साइज वी कॉल देम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और वी से दैट दे आर इन कॉन्ग्रुएंस। तो अगर आपको ये लगे कि दोनों शेप्स का साइज बिल्कुल बराबर है, वो एक दूसरे पर ओवरलैप करने पे एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लेती हैं, तो आप सिंपली भी कह सकते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो आप यहां तक आज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी, मैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर से फिर स्टार्ट करूंगा, अभी यहां तक करेंगे। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको होम असाइनमेंट देना है प्रैक्टिस बुक से, तो नाइन्थ चैप्टर की प्रैक्टिस बुक के सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। इन केस ऑफ प्रॉब्लम आप क्या, आपको क्या करना है आपको अच्छी तरह पता है, आप ग्रुप पर मैसेज डाल सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, और आप मुझे किसी भी तरीके से हमारी लाइव क्लासेस में कैसे भी, जहां भी आपको लगे सूटेबल लगे वहां उस तरीके से आप अपनी बात मेरे तक मुझ तक पहुंचाएं। आपकी प्रॉब्लम अगर मेरे पास पहुंचेगी तो मैं निश्चित रूप से सोल्यूशन दूंगा उसका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको जितना आपको बता रहा हूँ उतना डीपली पढ़ना है, और जिन केस ऑफ प्रॉब्लम आप मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे। और आपको क्या करना है, आपको चैप्टर नाइन की प्रैक्टिस बुक पूरी करनी है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं कहीं भी क्लास में या ऑनलाइन भी।